अरे पूछने की बात है गया भी, तेरी बैचलर पार्टी और मैं नहीं आऊंगा। अद कर दी तने भी यार, ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार। अरे नहीं यार, मैंने सोचा भाई तू शादीशुदा आदमी है, इतना सो तरिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। कर दी ना छोटी बात। अरे तेरा भाई परमिशन लेता नहीं, देता है देता। चलती है तेरे भाई के घर में। भाई तू इंडियन आइडल है अपना, तेरे तो बड़ा खिलाड़ी आदमी नहीं देखा बॉस। शादी होती सारी टिप्स तेरे तो लेने। अरे कत्ती भाई, सेटिंग होया बीवी, कंट्रोल पूरा रहता है, तभी तो जमाना मुझे चीता कहता है। चीता है भाई अपना, भाई चीता है चीता। अरे तू टाइम बता कितने बजे आना है, के प्रोग्राम है भाई। 8 बजे पहुंच जाइयो पक्का। कत्ती सारा जुगाड़ कर रखा है, बियर चिकन म्यूजिक सब कुछ है, पूरा धुआं ठाणा मतलब है। अरे अपनी वे ओजका साली चेली भी बुला रखी है, नाचेंगे सारी रात सोनिया भाई। गदर मचा देंगे, धुआं ठा देंगे। 8 बजे पहुंच जाऊंगा, कत्ती उड़े पाओगे तेरा भाई। ठीक है, ओके चल भाई। कैसे पूछूं। नेहा जी ललित, आज राहुल की बैचलर पार्टी है, 8 बजे जाना मेरे को रात को। आराम से खा पी के आऊंगा, चिकन विकन दारू वारू का प्रोग्राम है, फुल पार्टी चलेगी। तो लेट हो जाऊंगा, आराम से तू अपना खा पी के सोचियो चुपचाप। हाँ जी ठीक है, जैसे आप बोलो। मैं आपकी जीन्स और टी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। हाँ जल्दी कर दे, और मेरे जूते जुराब भी ले आ। और जुराब कती धुली होनी चाहिए। हाँ जी साफ है, मैंने आज ही धोई है। पार्टी चलेगी सारी रात, वहाँ मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी ठीक है, नहीं करूँगी। और एक ग्लास पानी ले आई। हाँ जी अभी लेके आई। मेरा पति मेरा देव। कैसे पूछूं। क्या बड़बड़ा रहे हो इतनी देर से तुम? दिन में भी सपने देखने लग गए हो क्या? और वो सब्जी काटने के लिए बोला था, काट दी वो, जाओ जाके सब्जी काटो। नेहा वो एक बात पूछनी थी यार तेरे से। अभी तो तुम आँख बंद करके इतना बड़बड़ा रहे थे, अब तुम्हें बात करने के लिए परमिशन चाहिए? क्या बात है बोलो। वो ना आज राहुल का बर्थडे है, तो उसने अपने फ्लैट पे हवन रखा है, तो 8 बजे बुलाया रात को, अगर तुम कहो तो चला जाता हूँ। अच्छा रात को 8 बजे फ्लैट पे बैठ के तुम हवन करोगे हैं? हाँ, और वो चेली भी, वो पंडित जी भी बुला रखे हैं। अच्छा जी, पंडित का नाम चेली है? नहीं नहीं, वो तो उसका निक नेम है, वैसे तो उसका पूरा नाम पंडित चेलीश्वर स्वामी है। ठीक है तो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। oh, no. मेरे को भी पूजा पाठ के हुए बहुत दिन हो गए, मैं भी कर लूंगी हवन चेलीश्वर स्वामी के साथ। नहीं सिर्फ लड़कों को बुलाया है, सारे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, और फिर बाद में छोटी मोटी कोई पार्टी वगैरह का भी प्रोग्राम है उनका शायद। ओ हो, तो हवन के बाद जना पार्टी करेंगे, एक दूसरे पे गंगा जल छिड़क छिड़क के, है ना? ठीक है जाओ, मुझे क्या है? रियली जाओ क्या? हाँ जाओ ना, वैसे भी यहाँ पे तुम्हारा है ही कौन, तुम्हारा मन कहाँ लगता है घर पे? बेबी डेली घर पे ही तो रहता हूँ। हाँ तो मत रहो ना, किसने कहा तुम्हें रहने के लिए, जाके अपने दोस्तों के साथ रहो उनके फ्लैट पे, वो ही दे देंगे तुम्हें खाने पीने के लिए। मेरी जरूरत ही क्या है तुम्हें? मैं भी कल अपने घर चली जाऊंगी अपनी मम्मी के पास। अरे बेबी ठीक है, मैं नहीं जा रहा कहीं पे, तुम नाराज मत हो। नहीं जाओ तुम, वरना पूरी जिंदगी मुझे सुनाते रहोगे कि मैंने तुम्हें कहीं नहीं जाने दिया। रियली जाओ क्या? हाँ जाओ ना, मैं होती कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली। चलाओ अपने मन की, जो करना है करो। अच्छा मैं नहीं जा रहा बेबी, मैं अपनी सब्जी काट रहा हूँ। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सब्जी बनाने के बाद ना थोड़ी चटनी और बना दो। चटनी? हेलो। अरे चीते कहाँ रह गया भाई, जल्दी आ, पार्टी मस्त चल रही है। अरे भाई मैं नहीं आ पाऊंगा यार आज। क्यों, क्या बात होगी भाई? काम आ गया भाई कुछ। अरे काम छोड़ देना यार, या चेली तेने याद कर रही है, ले बात कर। हेलो। अरे कित की चेली भाई, अरे तो खुद चेला हो रहे हैं यार। चेला? अरे क्या बात कर रहा है यार, तू तो हमारा चीता है। अरे ब्याह हो जाने दे तेरा भी, ब्याह पाछे बड़े बड़े चीता चटनी बनाते पावे हैं।